काफी लोगों का ये सवाल रहता है कि क्या आयुर्वेद में कोई टॉनिक या कोई मल्टीविटामिन है जिन्हें वो सेफली ले सकते हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमारे लिए किसी भी टॉनिक या मल्टीविटामिन की जरूरत क्यों है। तो आज की जो लाइफस्टाइल है इसमें खान पान से संबंधित आदतें हैं या टाइमिंग बहुत बदल गई है, आउटसाइड फूड है, जंक फूड है, काफी लोगों को स्ट्रेस है, नींद ठीक से नहीं आती है, तो इन सबका जो इम्पैक्ट है वो डाइजेशन पर, मेटाबॉलिज्म पर पड़ता है। आयुर्वेद के अनुसार इसे जठर अग्नि की विकृति, अग्नि मानदेय यानी स्लो मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। इसलिए खाना ठीक से नहीं पचता, उसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है और फिर आयरन, कैल्शियम आदि न्यूट्रिएंट्स की जो डेफिशिएंसी होती है वो आमतौर पर दिखाई देती है और इसके लिए सप्लीमेंट भी दिए जाते हैं। लेकिन जो मेडिसिन से आर्टिफिशियल सप्लीमेंट हम लेते हैं ये हमारे शरीर के लिए नेचुरल नहीं होते हैं, तो इनका एब्जॉर्प्शन है वो भी पार्शियल होता है, कम होता है और कई बार इनके नुकसान भी हो सकते हैं। तो जानते हैं हमारे लिए नेचुरल सप्लीमेंट कौन से हो सकते हैं जो आपके लिए बहुत इफेक्टिव हो, सेफ हो और उनका पूरा एब्जॉर्प्शन भी हो, और इसके साथ ही इन सप्लीमेंट्स को पचाने के लिए आपने जठर अग्नि को कैसे अच्छा रखना है, उसको कैसे प्रज्वलित रखना है, इसके टिप्स भी हम जानेंगे। तो सबसे पहला जो, और इसके साथ ही इन सप्लीमेंट्स को पचाने के लिए आपने जठर अग्नि को कैसे अच्छा रखना है, उसको कैसे प्रज्वलित रखना है, इसके टिप्स भी हम जानेंगे। तो सबसे पहला जो नेचुरल सप्लीमेंट है वो है काला मुनक्का यानी ब्लैक रेजिन। संस्कृत में इसे द्राक्षा कहा जाता है। तो जो अंगूर फ्रेश मिलते हैं वो भी आप खा सकते हैं, लेकिन जो सुखाए हुए अंगूर होते हैं यानी जो मुनक्का है, किशमिश है, ये आपने ज्यादा प्रेफर करना है। ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, गुणों से भरपूर होता है। आयुर्वेद में कहा गया है द्राक्षा फलो उत्तम, यानी सभी फलों में द्राक्षा श्रेष्ठ फल है। इसके साथ ही इसे बल्य ब्रिहन करने वाला, शरीर की स्ट्रेंथ, एनर्जी, स्टामिना को बढ़ाने वाला बताया गया है। ये थकान को कम करता है, बहुत अच्छा एंटी ऑक्सीडेंट है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। आप इसको ऐसे ही पानी में सोख करके भी ले सकते हैं या फिर इसकी एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनाकर भी आप इसको ले सकते हैं। तो इसका सूप आपने कैसे बनाना है वो जान लेते हैं। तो इस ब्लैक सूप को बनाने के लिए रात को लगभग 10 से 20 मुनक्के आपने एक गिलास पानी में भिगो कर रखने हैं। तो भी आपने इसे उबालना है धीमी आंच पर। तो फिर ये एक गिलास पानी जब आधा गिलास हो जाए तब तक आपने इसे उबालना है, फिर इसे छान लेना है। अपनी पसंद के अनुसार आप इसमें थोड़ा थोड़ा धनिया, जीरा, सेंधा नमक डाल सकते हैं। ये एक बहुत टेस्टी रेसिपी है, आप सुबह खाली पेट इसको ले सकते हैं या फिर दोपहर के समय पर भी आप इसको ले सकते हैं। ये रक्त धातु वर्धक है, तो जिनके शरीर में हीमोग्लोबिन कम है या फिर एनीमिया की कंप्लेंट है तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है, उनको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। साथ ही एनर्जी को बढ़ाने के लिए, फ्रेश फील कराने के लिए भी ये बहुत अच्छे से मदद करता है। दूसरा जो नेचुरल सप्लीमेंट है वो है तिल। तो इसमें आप काले तिल या जो भूरे रंग के तिल होते हैं इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। तिल के बारे में आयुर्वेद में इसकी प्रॉपर्टीज बताई हुई है। तो इसे स्निग्ध आवा यानी शरीर में ये एक तरह की लुब्रिकेशन क्रिएट करता है। अगर आपको शरीर में स्किन से रिलेटेड रूखापन है, बहुत से लोगों का क्वेश्चन है कि उनकी स्किन बहुत रूखी रहती है, बालों का रूखापन है, बाल बहुत जड़ते हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी औषधि है। अगर आपको ज्वाइंट संबंधित पेन है तो इसके लिए भी एक बहुत अच्छी औषधि है, दर्द को कम करता है, बोन्स को स्ट्रेंथ करता है। अलग अलग रूपों में आप इसका सेवन कर सकते हैं, जैसे कि तिल का लड्डू बना सकते हैं या चिक्की बनाकर आप ले सकते हैं। जब हम चिक्की बनाते हैं या लड्डू बनाते हैं तो इसके साथ गुड़ का इस्तेमाल करते हैं, तो गुड़ भी शरीर में खून को बढ़ाने में, ताकत को बढ़ाने में मदद करता है। छोटा सा पीस आप गुड़ का इसके साथ यूज कर सकते हैं। सावधानी इतनी करनी है कि तिल की जो तासीर होती है वो गर्म होती है, तो जो विंटर सीजन है, रेनी सीजन है, इसमें आपको सेवन ज्यादा करना है। गर्मी के मौसम में आपने इसको कम लेना है या फिर गर्मी के मौसम में आप इसको भिगोकर ले सकते हैं। तीसरा जो नेचुरल सप्लीमेंट है वो है फल यानी फ्रूट्स। फलों का सेवन भी कर सकते हैं। इसमें भी जो मीठे फल हैं, सीजनल फल हैं, आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर उगने वाले जो फल हैं वो आपने ले, तो अनार का सेवन आप कर सकते हैं, अंगूर ले सकते हैं, आंवला ले सकते हैं। इसमें अनार जो है मीठा आपको लेना है। अनार के फायदे आयुर्वेद में बताए हुए हैं, तो इसको रुचिकर यानी खाने का स्वाद बढ़ाने वाला, खून को बढ़ाने वाला बताया हुआ है। तो अगर आपको एनीमिया की तकलीफ है तो आप इसको ले सकते हैं। फिर इसके साथ ही गृहिणी जैसे कि IBS जैसी तकलीफ है, बार बार मोशन जाना होता है, उससे शरीर में बहुत थकान हो जाती है, तो उसको ये कम करता है। रक्त पित्त में यानी शरीर में से किसी भी मार्ग के द्वारा अगर खून बाहर जा रहा है, जैसे कि बवासीर की तकलीफ है या नाक से खून जा रहा है, तो इसमें भी बहुत अच्छे से अनार मदद करता है। फलों में आंवले का सेवन बहुत अच्छा है। आयुर्वेद में कहा हुआ है आमलक स्थापना श्रेष्ठम, यानी आयु को स्थिर बनाए रखने के लिए आंवला सर्वश्रेष्ठ है, लंबी आयु के लिए ये मदद करता है। ये एक बहुत अच्छी रसायन औषधि है, टॉनिक है, शरीर की स्ट्रेंथ बनाने के लिए अच्छा है। ये बहुत अच्छा एंटी ऑक्सीडेंट है, इसमें बहुत सारे विटामिन, स्पेशली विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है, तो आंवले का सेवन भी आप जरूर करें। वैसे तो रोज एक फ्रेश आंवला खाएं, लेकिन जब नहीं मिले तो इससे बना हुआ जो शरबत है, जो मुरब्बा है, कैंडी है या
हेल्दी तरीके से बना हुआ कम तेल नमक में अचार है, आप उसका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा अंगूर, आप सफेद या काले अंगूर का सेवन कर सकते हैं। अगर जूस आपको लेना है तो 20 से 30 ml आपको लेना है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार फिर उसको पचाने में ज्यादा समय लगता है। तो जो भी फल आप लें, मीठे फल आपने लेने हैं, इस तरह से थोड़ी सावधानी के साथ, फल भी बहुत अच्छे नेचुरल सप्लीमेंट है। चौथा जो नेचुरल सप्लीमेंट है वो है रागी। इसे नाचनी या फिर फिंगर मिलेट भी कहा जाता है, ये पचने के लिए बहुत हल्की। रागी इसे नाचनी या फिर फिंगर मिलेट भी कहा जाता है, ये पचने के लिए बहुत हल्की है। बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, स्त्री पुरुष सभी इसको ले सकते हैं। ये एक तरह का अनाज होता है, सभी मौसम में आप इसको ले सकते हैं। ये खून को बढ़ाती है, हीमोग्लोबिन को, कैल्शियम को, इसके साथ ही तर्पण करने वाली है। ये पचने में हल्की होती है, वेट गेन नहीं करती लेकिन एनर्जी को बढ़ाती है। तो ऐसे लोग जिनको वेट गेन तो नहीं करना लेकिन स्टैमिना या एनर्जी को बढ़ाना है, तो उसके लिए रागी बहुत अच्छी है। आप इसकी रोटी बनाकर ले सकते हैं, रोटी के ऊपर भी थोड़ा सा घी और गुड़ डाल लेना है आपने, तो ये और पौष्टिक बन जाती है। दूसरा, आप इसके घर पर लड्डू बना सकते हैं, घी में भूनकर छोटे छोटे से लड्डू बनाकर रख सकते हैं। पांचवी सप्लीमेंट है कैल्शियम को बढ़ाने के लिए, आप कुछ नेचुरल सप्लीमेंट ले सकते हैं। तो सबसे पहला है गाय का दूध, इसे आयुर्वेद में जीवनी शक्ति युक्त बताया गया है। ये बहुत अच्छा टॉनिक है, उम्र को बढ़ाने वाला है, एक रसायन है। ये जो दूध है ये वात और पित्त को कम करता है, बुद्धि को बढ़ाने वाला है, मेमोरी को बहुत अच्छा रखता है, तो इसका सेवन जरूर करें। दूसरा है गाय का घी, घी का सेवन भी हमें जरूर करना है। ये शरीर में लुब्रिकेशन क्रिएट करता है, हमारी जठराग्नि को बढ़ाने के लिए मदद करता है, बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छा टॉनिक है। इसको भी आपने अपने खाने में जरूर रखना है। साथ ही अगर आप घर में मक्खन बनाते हैं यानी सफेद मक्खन, तो उसका सेवन भी आपने जरूर करना है। जिन लोगों को दूध या घी नहीं पचता, वो लोग तक्र यानी जो बटर मिल्क है, छाछ है, उसका सेवन कर सकते हैं। डाइजेशन से संबंधित बीमारियों में भी छाछ एक बहुत अच्छी औषध है, तो इसमें जीरा डालकर आप ले सकते हैं, जीरा, भुना हुआ जीरा। स्पेशली जैसे IBS की तकलीफ रहनी है तो छाछ का सेवन कर सकते हैं। अब हमारे खाने में जितने भी विटामिन या न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको पचाने के लिए जठराग्नि का अच्छा होना बहुत जरूरी है, ताकि इनका जो एब्जॉर्प्शन है ठीक से हो सके। तो इसके लिए हमारी रसोई में जो भी मसाले रहते हैं, जैसे कि अदरक, सौंठ, अजवाइन, काली मिर्च, दालचीनी, तो ये सभी मसाले हमें बहुत अच्छे से मदद करते हैं। बस आपने इनका युक्ति पूर्वक प्रयोग करना है और जरूरत के अनुसार, ऋतु के अनुसार आपने इनका इस्तेमाल करना है, ताकि आपकी जठराग्नि बहुत अच्छी रहे। लेकिन आपको शरीर में गर्मी बढ़ने से जो भी तकलीफ है वो ना बढ़े, तो इस तरह से आपने इनकी मात्रा कम लेनी है। आपके लिए जितना उचित है, तो अगर आप उतना लेते हैं तो आपकी जठराग्नि को ये बहुत अच्छे से बढ़ाते हैं और जो खाने में विटामिन न्यूट्रिएंट्स हैं उनका एब्जॉर्प्शन भी बहुत अच्छे से होता है। आई होप आपके लिए जानकारी लाभदायक सिद्ध होगी। थैंक यू।